नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी गैस सब्सिडी की जानकारी कैसे ले सकते हैं, कि गैस सब्सिडी के पैसे आपको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे और कितने मिल रहे हैं। दोस्तों इस बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको एक तरीका बताया था जिसमें आप घर बैठे अपनी गैस सब्सिडी की पूरी जानकारी देख सकते थे कि आपको कितना पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। लेकिन अभी पिछले कुछ समय से सिस्टम अपडेट करने की वजह से उस ऑप्शन को हटा दिया गया है वहां से, जो कि मैं आपको अभी वीडियो में बताऊंगा, आप पूरी वीडियो देखिएगा। तो आप भी यही हमसे सवाल करते थे कि अब वो ऑप्शन नहीं आता और नया तरीका बताइए। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं जल्द ही आपको एक नया तरीका बताऊंगा। तो बस आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं एक नए तरीके से कि आप किस तरह से अपने गैस सब्सिडी का पता कर सकते हैं कि आपको कितना पैसा आपको सब्सिडी का मिल रहा है या आपको नहीं मिल रहा। तो चलिए देखते हैं। तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको अपने गूगल ब्राउजर को ओपन कर लेना है, ठीक है। जब आप अपने गूगल ब्राउजर को ओपन कर लेंगे तो अब आपको यहाँ पर लिखना है myLPG.in, ठीक है, myLPG.in, जो आपको आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, आपको myLPG.in लिखना है। जैसे ही आप myLPG.in लिखेंगे एक लिंक आएगा, उस लिंक पे आप क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। लिंक पे क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह का एक पेज आता है जो आपको पहले भी आपको देखा होगा, आपने इस तरह का एक पेज आता है। तो यहाँ पर आपको आपकी जो भी कंपनी है, जिस भी कंपनी का आपके पास सिलेंडर आता है, चाहे वो भारत गैस हो, चाहे वो HP गैस हो, चाहे इंडेन, आपको उसी कंपनी के सिलेंडर पे टच करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर इंडेन पे टच कर रहा हूँ, आपको अपनी कंपनी पे टच करना है जो भी आपके पास कंपनी का सिलेंडर आता है उस पर, ठीक है। अब देखिए यहीं पर एक ऑप्शन आता था ऑडिट डिस्ट्रीब्यूटर का, यहीं पर एक ऑप्शन आता था, लेकिन अब हुआ क्या है, वो ऑप्शन यहाँ से हटा दिया गया है और वो सिस्टम अपडेट करने की वजह से यहाँ से हटा दिया गया है। लेकिन हम आपको यहाँ पर अब नया तरीका बताने वाले हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो देखिए अब आप यहाँ पर थोड़ा नीचे जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा गिव योर फीडबैक। ये देखिए यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिखेगा गिव योर फीडबैक, देखिए आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है, गिव योर फीडबैक। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए एक यहाँ पर एक लिस्ट आ जाएगी, यानी कि एक पेज आएगी जिसमें छोटा सा ये लिस्ट बना होगा और इसी लिस्ट में आपको एक ऑप्शन दिखेगा सिलेंडर का, जो ये सिलेंडर का निशान यहाँ पर बना हुआ है देखिए, और LPG भी लिखा हुआ है, आपको यहीं पर टच करना है, इस सिलेंडर के ऊपर टच करना है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल आप ध्यान से बिल्कुल ऐसे ही कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर टच कर देंगे देखिए इस तरह का एक पेज आएगा। अब यहाँ पर आपसे कुछ लिखने के लिए बोला जा रहा है इस बॉक्स के अंदर, तो आपको इस बॉक्स में लिखना है गैस सब्सिडी, गैस सब्सिडी, ठीक है, आपको यहाँ पर गैस सब्सिडी लिखना है। और लिखने के बाद आपको इसको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। देखिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर गैस सब्सिडी लिखा था, और लिखने के बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जब आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद देखिए इस तरह का एक पेज आएगा। देखिए यहाँ पर एक ये आपको लिस्ट दिख रही है, ये देखिए यहाँ पर इस लिस्ट में आप ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है सब्सिडी रिलेटेड, ये जो पहल ये ऑप्शन आपको नजर आ रहा है सब्सिडी रिलेटेड पहल, आपको इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इसी लिस्ट के नीचे एक और तीन चार ऑप्शन आ जाएंगे, ये देखिए जो आपको दिख रहा है यहाँ पर सब कैटेगरी, इसी ऑप्शन के नीचे जैसे आप उस पर टच करेंगे तो ये तीन ऑप्शन और आ जाएंगे। अब इन तीन ऑप्शन पर आपको करना क्या है, जो पहले नंबर का जो ऑप्शन है सब्सिडी नॉट रिसीव्ड, ये पहले नंबर का ऑप्शन आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है सब्सिडी नॉट रिसीव्ड पर, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से करना है, सिंपल तरीका है, कोई आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो एक इस तरह का पेज आएगा जहां पर आपसे आपके मोबाइल नंबर के लिए पूछा जाएगा। अब अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो आप यहां पर लिख दीजिएगा, मोबाइल नंबर आपका वही होना चाहिए जो आपने आपकी गैस एजेंसी में दिया है, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। जब आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ लिख देंगे तो आप यहाँ से देख पाएंगे। अब मान लीजिए अगर आपने बहुत पहले अपना गैस एजेंसी में अपना नंबर दिया होगा, आपको याद नहीं है, तो उस कंडीशन में अब आप क्या करेंगे, तो देखिए आपको नीचे एक ऑप्शन दिखेगा LPG ID, यहाँ पर आपको LPG ID का ऑप्शन दिखेगा। अब आप पूछेंगे LPG ID क्या होती है, तो दोस्तों ये LPG ID का एक ऑप्शन आपकी जो पासबुक है, जो गैस की पासबुक है, उसके ऊपर लिखा होगा LPG ID, या जो हर महीने जो आपको गैस की जो स्लिप आती है, जब आप गैस सिलेंडर बुक करते हैं और सिलेंडर जब देकर जाता है बंदा, तो वो आपको एक स्लिप देकर जाता है, उस स्लिप पर भी LPG ID नंबर लिखा होता है और वो तीन नंबर से शुरू होता है, जो आपको यहाँ तीन नंबर पहला यहाँ नजर आ रहा है लिखा हुआ, तो इस तीन को छोड़कर उसमें से आपको बाकी के नंबर यहाँ लिख देने हैं। ये 17 नंबर का एक लंबी डिजिट का होता है, 17 नंबर इसमें होते हैं। तो हम यहाँ पर चलिए LPG ID नंबर लिखते हैं और आपको इसी के थ्रू बताते हैं कि आप किस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा और थोड़ा संयम बरतिएगा, हम आपको पूरा तरीका बताएंगे कि आप किस तरह से यहाँ पर
अपना देख सकते हैं कि आपको गैस सब्सिडी के पैसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर अपना LPG ID का नंबर यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप भी इसी तरह से ठीक ठीक लिख लीजिएगा। चाहे आप अपनी गैस की पासबुक में से आप इस नंबर को देख सकते हैं, चाहे आप जो स्लिप आपको मिलती है हर महीने आप उसमें से भी इसको देख सकते हैं, या फिर अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो आप उस मोबाइल नंबर पर भी यहाँ पर डालकर देख सकते हैं। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जब आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ये पूरे सिस्टम में आपकी जो डाटा होगा उसको सर्च करेगा और उसके बाद आपको बता देगा। अब यहाँ पर जो भी आपकी देखिए सारी डिटेल आपके पास आ जाएगी, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर अगर दिया है तो मोबाइल नंबर होगा, एड्रेस होगा और सारी जानकारी यहाँ पर होगी, आपकी गैस एजेंसी का नाम होगा। और उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर नीचे होगा ये पूरा आपकी डिटेल होगी कि किस महीने में किस डेट पे आपका ऑर्डर हुआ था, डिलीवरी कब हुई थी, सब्सिडी का अमाउंट आपको मिला है या नहीं मिला। जैसे कि ये नीचे आप देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये देखिए इसमें 435 सब्सिडी, इसमें 376 रुपये इसमें मिले हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आपको पूरी जानकारी यहाँ पर दिख जाएगी, ठीक है। देखिए और यहाँ पर कैश मेमो की डेट, ये कैश मेमो वही होता है जो आपको स्लिप दी जाती है, ठीक है। तो इसी में आपको ये पता चल जाएगा कि आपको किस महीने कितने सब्सिडी में कितना पैसा मिला है और कितना पैसा आपको नहीं मिला। तो इस तरह से आप ये देख पाएंगे कि आपको सब्सिडी के पैसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे और कितने मिल रहे हैं। तो दोस्तों ये था नया तरीका जिसके बारे में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको नया तरीका बताऊंगा गैस सब्सिडी के पैसे चेक करने का। तो दोस्तों ये वीडियो, ये तरीका आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों परिवार के साथ भी इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आपके स्क्रीन के ऊपर सब्सक्राइब के लाल निशान पर टच करके, और उसके बाद घंटी के निशान पर जरूर टच कीजिए ताकि आपको हमारी बनाई हुई नई नई वीडियो लगातार मिलती रहे। ये बिल्कुल फ्री होता है और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।